हेलो गाइस, तो आज मैं आप सभी के लिए के आया हूँ एक सीपीयू की कॉन्फ़िगरेशन। काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि 11,000 के अंडर में एक गेमिंग सीपीयू असेंबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो उसका जवाब बिल्कुल हाँ है। अगर आप दिल्ली या फिर गाज़ियाबाद में हैं, ये सीपीयू मैंने गाज़ियाबाद में असेंबल कराया था। वैसे ही मुझे पूरा कंबाइंड मिला था अप्रॉक्स 11,200 में। तो मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको बता देता हूँ। और इसमें मैंने ये जो लाइट्स लगी हैं, ये मैंने बाद में लगाई थी। इसमें लेने के बाद चावड़ी बाज़ार चले जाना, 25 रुपए की लाइट्स लगती हैं, ये भी RGB वाली। सो अब मैं आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। इसमें 8 GB की रैम है किंगस्टन की तरफ से, और मदरबोर्ड है MSI का A320 प्रो। और फिर इसमें 1 TB की हार्ड डिस्क मिल जाती है, 2 GB का ग्राफिक कार्ड मिल जाता है ज़ोटी की तरफ से। और इस कैबिन में वैसे हमें वो नहीं मिलता है, CD ड्राइवर। अब मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ सीपीयू की। ये हमारी बैक साइड है, इसमें 230 का वोल्टेज का एसी करंट का सप्लाई है। इसमें VGI केबल और 4 स्लॉट मिलते हैं USB केबल के। और हालांकि HDMI का पोर्ट हमें हमारे ग्राफिक कार्ड में मिलता है। अब ये कुछ व्यूज़ हैं हमारे सीपीयू के अंदर के। किंगस्टन की आपको मिल जाती है रैम इसमें। हालांकि और जितने भी पार्ट्स हैं इसके, जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं, वो सारी अच्छी कंडीशन में थे और किसी भी पार्ट में कोई भी डैमेज नहीं था। कैबिन भी ज़्यादा पुराना नहीं है, तकरीबन 6-7 महीने इस्तेमाल किया हुआ है। और ये सारी रेंजेस आपको मिल जाती हैं 11,000 रुपये के अंडर में। यहाँ पे मैंने अपना GT5 ऑन कर दिया है। फॉर बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं ये प्रोसेसिंग में ले रहा है, बट ड्यू टू सम इमेजेस वो मैंने टास्क मैनेजर ओपन कर दिया है। और देख सकते हैं आप इसकी रैम धीरे धीरे मेमोरी यूज़ करना इंक्रीज़ होती है। 42 है अभी CPU तो नॉर्मली एस 8 18 17, और GPU भी आपको वहाँ पे यूज़ होने लगा है 44% अप्रॉक्स। इसका अभी सर्दियों का टाइम है तो इसका नॉर्मल टेम्परेचर रहता है 27 डिग्री सेल्सियस, और वहीं जब गेमिंग कर रहे होते हैं तो 35-37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। It's all about humanity. आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी टाइप का गेम लैग नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें हमारे ग्राफिक कार्ड का सपोर्ट मिलता है ज़ोटक की। 2 GB का है, हालांकि काफ़ी लो एंड है, बट एट द लीस्ट GT5 अच्छे फ्रेम रेट्स पे प्लेइंग के लिए बेटर है। वैसे भी एक पॉइंट है, हमारा रेजोल्यूशन इसमें कम है, 800x600 है। फुल स्क्रीन पर नहीं चल रहा है अभी, ये विंडोड पर है। तो इसे एक बार फुल करके देखते हैं हम लोग। तो अब गाइस आप देख सकते हैं कि लैग फ्री अभी भी गेम चल रहा है, बिल्कुल अप्रॉक्स 40-50 FPS के ऊपर चल रहा है, क्योंकि मैंने इस CPU में अभी कोई गेम रिकॉर्डर डाउनलोड नहीं किया था। एज वेल मुझे अपने हैंड से करनी पड़ी थी रिकॉर्डिंग फ़ोन से। सो अगर आपको भी कोई गेमिंग CPU कॉन्फ़िगरेशन पता करनी हो, और सेकेंड हैंड पार्ट्स या फिर सेकेंड हैंड CPU असेंबल कराना हो, तो आप कमेंट डाउन करिए। बजट के हिसाब से बेस्ट स्पेयर पार्ट्स मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, अगर आप दिल्ली या फिर गाज़ियाबाद में लोकेट करते हैं तो। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। It's all about humanity.